हेलो दोस्तों, चलिए हम फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए नॉट लगा के चेन करेंगे। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे और पहले एलम लेके इसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से ऐसे 1 2 3 3 चेन डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 देखिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 2 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल फंदे, ट्रिपल क्रोशिया, 2 फिर बना लेंगे, फिर 2 चेन कर लेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर से 2 बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चेन, फिर 2 बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 2 बनाएंगे। तो ऐसे हम राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो हमने ऐसे राउंड में पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह बना लिया है। 2 चेन करेंगे और पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करके से बांधेंगे और ये कट करके निकाल लेंगे। देखिए, और इसे बैक साइड हम लगा देते हैं। अब इसके बाद से हम वाइट कलर ले रहे हैं, नॉट लगाएंगे और ये 2-2 चेन जो किए हैं इसमें बनाना है हमें। तो ऐसे बांध के 1 2 2 चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। 1 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसमें हम ऐसे जॉइंट कर लेते हैं, ऐसे बांध लेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसमें हम 4 बना लेंगे। 1 2 3 4 देखिए, 4 इसमें भी बना लिए। फिर यहाँ पर ये दोनों के बीच में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर 4 इसमें भी बनाएंगे हम। 1 2 3 4 देखिए, फिर यहाँ पर जॉइंट करेंगे दोनों के बीच में, बांधेंगे और फिर इधर बनाएंगे। तो ऐसे ही 4-4 पूरे में हम बना ले रहे हैं ऐसा। तो देखिए, हमने 4-4 पूरे में बना के ये कंप्लीट किया और फिर पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे और ये बांध के कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद से हम ये कलर लेंगे लेके, और जो ये बनाए हैं हम डबल क्रोशिया, इसके बीच में ये एक से दूसरे जाने का बीच है, उसमें हम ऐसे बांध के धागे को खींचेंगे, पफ बनाएंगे। 1 1 2 3 फिर फंदे लेंगे, फिर ये दूसरे वाले में भी ऐसे ही 1 2 3 फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर तीसरे जगह पर भी 1 2 3 देखिए। अब पूरे को एक में से ऐसे निकालेंगे हम, ये बांधेंगे देखिए ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन करके हम यहाँ पर ही जॉइंट कर लेंगे जहाँ से बनाना स्टार्ट किए यहाँ पर देखिए। उसके बाद से हम दूसरे वाले में बनाएंगे, तो हम यहाँ पर एक चेन करके फिर डायरेक्ट हम इसमें चले जा रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पर यहाँ पर धागे को खींच के फिर पफ बनाएंगे हम, धागे को खींचेंगे 2 1 3
फंदे लेंगे, फिर इसमें भी एक दो तीन फंदे लेंगे, फिर इधर भी एक दो तीन, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर यहाँ पर नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर हम एक चेन करेंगे और फिर इसमें बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे बांध के धागे को खींचेंगे एक पास, थ्री टाइम हम धागे को खींच रहे हैं ऐसे। फिर इसके बगल में भी फिर ऐसे बनाएंगे, फिर फाइव चेन करके नीचे ज्वाइंट करेंगे, फिर एक चेन करके फिर इसमें बनाएंगे। तो ऐसे ही राउंड में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो हमने चारों तरफ से ये बनाया, फाइव चेन किए हैं, फिर नीचे पहले ज्वाइंट कर लेंगे और फिर एक चेन करके पहले वाले में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। और जो पहला बनाना चालू किए हैं उसमें भी ऐसे ज्वाइंट करके बांध लेंगे, कट करके निकाल लेंगे हम। तो देखिए ये डिज़ाइन कैसा लग रहा, कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिज़ाइन लेके आएँ तो आप लोग के पास मिले। डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।